सिवनी के केवलारी विधानसभा के विधायक राकेश पाल का एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि 7 करोड़ देकर विधायक बना हूं। वायरल ऑडियो में वे एक पुलिस के उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं, जिसमें वे लखनादौन में पदस्थ TI को हटवाने की बात कह रहे हैं। वायरल ऑडियो में विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को समझाने की बात भी कही है। दखल न्यूज़ इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसको लेके BJP ने भी भीतर ही भीतर जांच बैठा दी है। केवलारी विधायक राकेश पाल का एक ऑडियो इन दिनों सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राकेश पाल पुलिस के उच्च अधिकारी से कह रहे हैं कि वे 7 करोड़ देकर विधायक बने हैं, जो वे कहेंगे यहाँ वही होगा। उन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष जी अभी नए हैं, उनको समझा दिया गया है कि हम घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने हैं। दरअसल राकेश पाल लखनादौन में पदस्थ TI नवीन जैन को हटाने की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, नवीन गोक्षी के मामले में लिप्त है और उसकी ससुराल में जुआ सत्ता का काम है, ये आदमी अराजक है। जैन होने के बावजूद जो है, इसके पहले जब लखनादौन में रहा है वो और सिवनी थाने में भी रहा है, तो गौ कसी के केस में इन्वॉल्व रहा और मुस्लिम लोगों से उसके कॉन्टैक्ट ज़्यादा नहीं है। और गौ कसी हाँ ये करता है, 100% करता है। इसकी धनौरा ससुराल है और इसकी ससुराल में प्रमुखता से जुआ सट्टे की धंधा है इसकी ससुराल में। एक्चुअली ये अराजक आदमी है। हम आपसे पहले बोलने वाले थे कि साहब उसको मत करिए, लेकिन वो क्या हुआ कि वो हमारी बातचीत के पहले ही जो है वो आपने कर दिया वहाँ पे। तो जिनकी तरह वो अध्यक्ष जी, मैं साहब थोड़ा सा आपसे अनुरोध कर रहा था, अध्यक्ष जी अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, उनको समझ नहीं रहा है। वो मैंने उनको बिठाल के समझा भी दिया है कि हम घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने, हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, 7 करोड़ रुपए खर्च किया हूँ, तब जो है मैंने कहा मैं केवलारी विधानसभा का विधायक बना हूँ और तुम, हाँ और तुम जो है मेरे छपारा के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो। बोले नहीं भैया मेरा ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो फिर मेरी मुनमुन से और दुबे से दोनों से बात हो गई, फिर वो दोनों नीतीश के बारे में सहमत हो गए कि नहीं भैया जैसा आप चाहो वैसा होगा। नहीं, मैंने कहा मैं जो चाहूँगा मेरी विधानसभा में वही होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ये दिमाग से आप निकाल दो। और आप यदि ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो मैं VD शर्मा को और संगठन मंत्री को जो है तुम्हारी शिकायत कर दूँगा, ये मैंने बिठा के उसको समझा। तो मेरा उसमें ये कहना था साहब कि नवीन को आपको हटाना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।